जींद रोडवेज में बसों की रफ्तार थमी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर रोडवेज ने किया चक्का जाम। कई मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं रोडवेज कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाना आदि अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं रोडवेज कर्मचारी। निजीकरण के खिलाफ भी ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जींद में लगभग 150 बसें हैं जिनका पहिया थम गया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो 2 दिन चलेगी और पूरे हरियाणा से इसका समर्थन मिला हुआ है। किसी भी अनहोनी को देखते हुए प्रशासन द्वारा हर तरह की यहां पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जैसे फायर ब्रिगेड व एम्बुलेंस की गाड़ी को पहले ही यहां पर अलर्ट पर रखा हुआ है और पुलिस प्रशासन के भी पूर्णतः ड्यूटियां यहां पर लगाई गई है। हमारा बिल्कुल पूर्ण चक्का जाम है और साझा मोर्चा के बैनर तले सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं। जो जो साथी आते रहते हैं वही इधर ही बैठ जाते हैं और हड़ताल पूरी दो दिन रहेगी। किस तरह पूर्ण चक्का जाम रहेगा? आज 28 तारीख को, कल 29 तारीख को और पूर्ण चक्का जाम। तो क्या मांगे जी आपकी? मांगे तो 32 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को गया हुआ है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दें, जो मेन मांगे हैं जैसे पुरानी पेंशन बहाल करना, निजीकरण पर रोक लगाना, विभाग में नई बसें शामिल करना, पक्की भर्ती करना, इस समेत बहुत मांगे ऐसी हैं जो कर्मचारी जिनके लिए भटकते फिर है, लेकिन सरकार बातचीत कर लेती है, मांगे लागू नहीं, जिससे कर्मचारियों में बहुत रोष है और रोष स्वरूप आज ये हड़ताल आपके सामने है। कर्मचारी सब यहाँ तो किस टाइम से शुरू किया है ये? सुबह पहले टाइम से ही शुरू है हड़ताल, 4 बजे सुबह 4 बजे से, और 2 दिन पूर्ण चक्का जाम रहेगा। तो पूरा मतलब पूरा देश में या फिर पूरे देश में ये हड़ताल है? सभी सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी आज पूरे देश के अंदर हड़ताल पर हैं, जिसमें हरियाणा रोडवेज का पूर्ण योगदान है इस हड़ताल के अंदर। हरियाणा रोडवेज पूरी तरह से पूरे हरियाणा के अंदर बंद है। सभी जगह से रिपोर्टें आ रही हैं भाई कहीं कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई इक्का दुक्का गाड़ी नाइटा बजा रही थी वो आ रही है, या फिर जैसे किलोमीटर स्कीम की गाड़ियाँ उनको बगैर परिचालक के घुमाया जा रहा है। हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो बस रोक दी गई सभी? बिल्कुल रुकी हुई है, हम तो किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारे कर्मचारी साथी हड़ताल पर ऑटोमेटिक आ रहे हैं, यहाँ बैठ जाते हैं पूर्ण रूप से हड़ताल। तो सरकार उसके बावजूद भी नहीं मानती आपकी? सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार के ऊपर तो हमारा तो प्रोटेक्शन करने का अधिकार है, धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो सरकार की मर्जी है, माने ना माने, और नहीं मानेगी तो हमारी हड़ताल अभी हड़ताल आगे साझा मोर्चा की मीटिंग बुला के आगे के प्रोग्राम दिए जाएंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? आजाद गिल, सदस्य साझा मोर्चा। संदीप रंगा, सदस्य संजा मोर्चा। आज दिनांक 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है और पूरे हरियाणा रोडवेज का भी पूरा चक्का जाम रहेगा। इसमें हमारी बहुत सारी मांगें, हमने 32 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार को दे भी रखा है। जब भी हमारी टेबल पे सरकार के साथ वार्ता होती है, सरकार बिल्कुल आम बात लेती है, भाई लागू करेंगे, परंतु इसको धरातल पर लागू नहीं करती। और इसमें भी हमारी बहुत सारी मांगें हैं, जैसे पुरानी पेंशन लागू करना, निजीकरण को रोकना, रोड सेफ्टी बिल, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज के बेड़े में 10,000 पर शामिल किए जाए, तो इसमें हमारी बहुत सारी मांगे। तो कब तक चलेगा ये 2 दिन चलेगा, पूरा 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश में। तो सभी बसें बंद हैं? हाँ बिल्कुल सभी बसें, आप दूर दूर के देख सकते हो। हमारे कर्मचारियों को कहने की बिल्कुल भी जुटना है, यहाँ दरी पे आके बैठ जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह चक्का जाम रहेगा। क्या नाम है? संदीप रंगा, सदस्य संजाम मोर्चा।